सो एज इट समर टाइम नाउ, मुझे भी अभी भी रियलाइज हुआ बिकॉज मैं एकदम रेडी होके बाहर निकली तो मैंने देखा इतनी तेज धूप है अब, या तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा टैंड हो जाएगी या फिर मुझे स्किन खराब करवानी पड़ेगी अपनी, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट हाँ, मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कि है लोटस का सेफ सन सनस्क्रीन। यस, आई हैव बीन यूजिंग दिस सनस्क्रीन फॉर ईयर्स नाउ, बट इसका एक मुझे बेनिफिट लगता है वो ये है कि ये जेल बेस्ड है। अब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा गर्मियों में ऑयल जनरेट करती है, बहुत ज़्यादा स्वेट जनरेट करती है, तो जब आप जेल बेस्ड यूज़ करते हैं सनस्क्रीन तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात, अब मैं मेकअप कर चुकी हूँ तो जो इसका टेक्सचर है अगर आप देखोगे एकदम ट्रांसपेरेंट और जेल बेस्ड। आप इसे मेकअप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने का तरीका मैं बता देती हूँ। आप नॉर्मली फिंगर से अपनी स्किन पे टैप टैप कीजिए, इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा ये। और अगर आपको फिंगर यूज नहीं करनी है तो ब्लेंडर से टैप टैप कीजिए, दैट्स ऑल। और इसकी एक खास बात है कि ये मेन और वीमेन दोनों के लिए है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। एंड इट हैज SPF 50, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। SPF 50 होना सन से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है आपको। और ये नॉन ग्रीसी है, ये लाइट वेट है, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा आपकी स्किन पे है, ये वाइट रेसिड्यू बिल्कुल नहीं छोड़ता बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है। तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, आप इस सनस्क्रीन को जरूर यूज करके देखना, स्पेशली ऑयली स्किन। वैसे ये नॉर्मल टू ऑयली सब चलता है, बट ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशली ये जेल बेस्ड बनाया गया है, तो यूज करके मुझे जरूर बताना। वैसे मैं वीडियो नहीं बनाती बट मुझे ये प्रॉब्लम लगी तो मुझे लगा आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तो कमेंट में बताना कैसा लगा।